राम रहीम की आज जेल में वापसी होगी। पैरोल का समय शनिवार यानी कल खत्म हो चुका है। 50 दिन की पैरोल पर बाहर था राम रहीम। पैरोल अवधि के दौरान यूपी के बागपत वाले आश्रम में रहा राम रहीम। राम रहीम को छठी बार पैरोल मिला था और उसकी पैरोल को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बार बार पैरोल कैसे उसे मिल जा रही है और क्या इसके पीछे सियासी वजह है। विरोधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और रोहतक की सुनारिया जेल में आज सरेंडर करेगा। 50 दिन की पैरोल खत्म हो चुकी है राम रहीम की। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख और माना जाता है कि अपने राजनीतिक रसूख की वजह से उसे बार बार पैरोल मिल जाती है क्योंकि सामान्य कैदियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इस मामले पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब उसे सरेंडर करना होगा और आने वाले दिनों में भविष्य में उसे जो भी पैरोल अगर उसके लिए अप्लाई करता है वो तो वो अदालत की निगरानी में ही मिल पाएगी। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, 50 दिन बाद वापस जाएगा जेल राम रहीम, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में भी उसे पैरोल मिल पाएगी क्योंकि अब तो इस पर अदालत की भी नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब से राम रहीम को पैरोल मिलनी शुरू हुई थी उसके बाद कई संस्थाओं की ओर से, सिख संस्थाओं की ओर से, पंजाब की ओर से, कई लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो राम रहीम पर मेहरबान है, इस वजह से राम रहीम को बार बार जो है फरलो मिल जाती है, फरलो मिल जाती है और लंबी फरलो मिलती है, एक एक महीने की जो है वो फरलो पर राम रहीम। जी बिल्कुल, राम रहीम को जो लंबी लंबी पैरोल मिलती है और फरलो मिलती है इसको लेकर के कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं और सबसे जो अहम सवाल यही है कि क्या सभी कैदियों को इतनी ही मुरव्वत मिलती है, इतनी ही राहत मिलती है या फिर राम रहीम के साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। अदालत ने इस मामले को उठाया और आगे ये साफ कहा कि आगे जब भी पैरोल की बात होगी वो उससे अदालत से परमिशन के बाद ही मिल पाएगी।